व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में जो जॉब ओपनिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो है अन अकेडमी में, एंड प्रोफाइल का नेम है कस्टमर सक्सेस एसोसिएट। सो बेसिकली बात करेंगे इस प्रोफाइल में आपको करना क्या है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है, और ये कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम रहेगा। सो गाइस, टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इसमें रिमोट वर्क कर सकते हो। जो इसका इंटरव्यू प्रोसेस है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज यहाँ पे कंप्लीटली 3 राउंड्स होने वाले हैं, ठीक है। सो उन राउंड्स में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, ईच एंड एवरी डिटेल कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले जान लेते हैं कि अप्लाई कौन कौन लोग कर सकते हैं। सो कोई भी ग्रेजुएट बंदा, ठीक है, या कोई भी ऐसा बंदा जिसे एक्सपीरियंस है अच्छा खासा चैट सपोर्ट या कस्टमर सपोर्ट क्लाइंट फेसिंग में, ओके, सो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री हो या ना हो चल जाएगा भाई इस पर्टिकुलर रोल के लिए, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो। नाउ इसमें सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, तो सैलरी की बात करूं तो ये एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे आपको सैलरी मिलेगी। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपके प्रीवियस जो CTC है उस पे 30-40% का हाइक यहाँ पे आपको मिल सकता है, ओके। नाउ वर्क फ्रॉम होम कंप्लीटली ये रहने वाला है, ठीक है, सो वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, ये टोटली रिमोट होने वाला है। अब आगे बढ़ते बढ़ते एक चीज और जान लेते हैं कि यार यहाँ पे आपको करना क्या है पूरे की पूरी प्रोफाइल में। सो गाइज, इसमें बेसिकली आपको जो एस्केलेशंस होती हैं, स्टूडेंट्स की एस्केलेशंस या पेरेंट्स की एस्केलेशंस, सर्विस अच्छे से नहीं मिल रही और कोई फाइनेंस से रिलेटेड इशू है उनको, तो ईच एंड एवरीथिंग, या टीचर से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं स्टूडेंट को, सो वो सारी चीज़ें आपको हैंडल करनी है, ठीक है। जो भी उनके इश्यूज वो फेस कर रहे हैं और आपके साथ वो शेयर करेंगे, उसको आपको रिजॉल्व करना है या उसको इंटरनली डिस्कस करके वहां पे आपको उसको रिजॉल्व करना है या उनके साथ एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन शेयर करना है, ठीक है। सो ये काम आपका रहने वाला है, थ्रू चैट सपोर्ट ये होने वाला है, थ्रू ईमेल भी हो सकता है और थ्रू कॉल भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है आपको ये कौन से सेगमेंट में डाल रहे हैं। नाउ बात कर लेते हैं हम इसके वर्क लाइफ बैलेंस की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको इसका इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, ओके। सो इसका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होने वाला है जैसे टेक सपोर्ट का रोल होता है उसके जैसा। ये है कि यहाँ पे आपको कोई टारगेट या कुछ ऐसा नहीं रहेगा, बट कोई पर्टिकुलर टिकट किसी ने रेस की, एस्केलेशन की टिकट है या और एनीथिंग एल्स, तो उसका एक पर्टिकुलर टैट होता है, ठीक है, टर्न अराउंड टाइम, जिसके अंदर आपको उसको रिजॉल्व करना है, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है और उस पर एक्शन लेना है, ठीक है। सो ये चीज़ें होने वाली हैं, ऐसा कोई टारगेट नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। सो अच्छी प्रोफाइल है, अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में काम करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू पार्ट, सो यार इंटरव्यू का कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आपके टोटल 3 राउंड्स होंगे। फर्स्ट राउंड विल बी टेलीफोनिक, नॉर्मल कन्वर्सेशन होगी, ठीक है, कुछ सिनेरियोज आपको ये दे सकते हैं यहाँ पे। टेलीफोनिक राउंड में तो मुश्किल है सिनेरियोज देना, बिकॉज वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है एंड थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं क्लाइंट फेसिंग एंड पे कैसा आपका बिहेवियर है, ठीक है, या आपके एक्सपीरियंस के बारे में जान सकते हैं, ओके। सो टेलीफोनिक राउंड फर्स्ट राउंड होने वाला है। सेकेंड राउंड की मैं बात करूँ तो ये वीडियो कॉल इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब वीडियो कॉल इंटरव्यू पे मैं बता दे रहा हूँ, जो भी सेलर एक्सेलेंस का मैनेजर होगा या कस्टमर सक्सेस का मैनेजर होगा वो आपका इंटरव्यू लेगा, एंड वहाँ पे इंटरव्यू कुछ ऐसा होने वाला है कि कुछ आपको सिनेरियोस दे दिए जाएंगे कि सपोज कस्टमर ने बोला कि मैंने पैसे दे दिए थे फिर भी प्रोडक्ट मेरे को डिलीवर नहीं हुआ, या फिर भी मेरा अकाउंट मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, ये इशू है, या मुझे फेक प्रॉमिस किया जो सेल्स पर्सन था उसने। सो उस केस में आप कैसे उसको मेल को या जो भी वो बोल रहा है आगे से उसको टैकल करोगे, ठीक है। सो इसका आंसर आपको देना है, ऐसे छोटे मोटे इश्यूज आपके साथ वो शेयर करेंगे, ठीक है, एंड उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है, ओके। थर्ड इंटरव्यू है वो भी एक वीडियो कॉल इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है, एंड उसमें भी आपसे सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। सो कॉन्फिडेंट रहना, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रखना एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड एक उसको डायरेक्शन देना पूरे के पूरे इंटरव्यू को, ठीक है, बिकॉज यही एक्सपेक्ट किया जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में आपसे,
ठीक है, ऐसा मत कर देना कि मैं पूरा का पूरा यूजर एंड पे ही, कस्टमर एंड पे ही झुक जाऊंगा और अपनी कंपनी को लाइक वो कर दूंगा कि हमारी गलती थी, ये था वो था, ये चीज नहीं होती इसमें। ठीक है, आपको दोनों ही साइड्स जान के कि सेल्स पर्सन में क्या गलती थी एंड लाइक सेल्स पर्सन से बात करके और इसको इंटरनली रेज करके एंड लाइक कस्टमर की बात को रख कर भी कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना और फिर उसको लाइक उसकी तरफ से आंसर करना। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे बता सकते हो, जस्ट एन एग्जाम्पल, बिकॉज मैं इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं दे सकता इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो थोड़ा बहुत आइडिया आप लगा सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट, इन तीनों इंटरव्यूज के बाद आपको बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं? ठीक है, सो यार लैपटॉप, ये लोग बोलते हैं कि आपके पास खुद का लैपटॉप होना चाहिए। ठीक है, रीइंबर्समेंट ये लोग देते हैं, वाईफाई और आपके जो भी चार्जेस होते हैं फोन्स के, कॉलिंग वॉलिंग के, इन सब के, वो सारी चीजें ये लोग देते हैं। तो गाइज, ये थी वो इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहते हो इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए, या इसके लिए अप्लाई करने से पहले आप इन डेप्थ जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, तो इसका जॉब डिस्क्रिप्शन मैं लास्ट में शेयर कर दूंगा आपके साथ, सो दैट यू गाइज कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल। ठीक है, जॉब टाइमिंग्स की बात की जाए तो यार ये नॉर्मल टाइमिंग्स होने वाली है, जैसे 9:30 से 6:30 या 10 से 6, सो टोटल 8 से 9 घंटे का ये शिफ्ट रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, टेक केयर।